धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के आदमपुर गांव में चिकित्सा विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। दूरदर्शन की खबर प्रसारण के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में फॉगिंग करवाकर पीड़ित परिवारों के ब्लड सैंपल लिए, वहीं लोगों को दवाइयां भी वितरित की गईं। वगैरह चल रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं, सभी टीम आ चुकी है। यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और ब्लड स्लाइड ली जाएंगी यहाँ पे, और फॉगिंग भी की जा रही है। साथ साथ में मौसम ऐसा है कि लोग वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं तो खेतों में भी मतलब फसल कट रही है तो वहाँ पे भी मच्छर है, और घर की टंकियाँ, कूलर और फ्रिज, इनको ध्यान रखना चाहिए। डेंगू का लार्वा है वो कहीं भी पनप सकता है और कैसे भी, और मौसम बीमारी का प्रकोप है, टाइफाइड मलेरिया ऐसे चल रहा है, तो इसलिए सभी से आग्रह है कि अपना विशेष ध्यान रखें। हमारे जो लोग हैं आदमपुर में डेंगू से पीड़ित हैं, उन दो तीन की हालत पाई गई डेंगू से, और हमने प्रशासन को भी सूचना दी, एडीएम साहब को और डॉक्टर गब्बर जी को, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, उन्होंने टीम अपनी भेजी। आज टीम अपना कार्य स्वयं आकर और मीडिया प्रशासन भी यहाँ पर आकर मौजूद में पूरा काम सहयोग से, हर सी जिम्मेदारी से बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं।